दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संभागीय स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठी। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का कहना है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर शारीरिक श्रम के साथ लगभग 1 करोड़ की राशि अपने अपने मानदेय में से सहयोग राशि मुख्यमंत्री कोष में जमा भी कराया गया है, लेकिन जब हम अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आपको बता दें कि इससे पूर्व संघ के द्वारा विगत 22 सितंबर 2021 से ध्यान आकर्षण के लिए धरना व रैली प्रदर्शन किया गया था। 10 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2021 तक रायपुर राजधानी मुख्यालय में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली की गई थी। 15 सितंबर को संघ प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन भी मिला था, लेकिन वह भी 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में आक्रोश के साथ साथ ही हतोत्साहित भी है, जिसका असर विभागीय कार्य में भी पड़ना स्वाभाविक है। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जिस पर सरकार ध्यान दे नहीं रहा है और हम लोग संभागीय स्तर पर दुर्ग जिले में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे कुछ मांगे हैं उसको पूरा, जो उनको अच्छा लगता है वो मांगे हमारी पूरी करे, जो जरूरत का है, जैसे कि शिक्षा कर्मियों का पदोन्नति कर देते हैं, जो शिक्षा कर्मी थे उसको डायरेक्ट शिक्षक में ले लिए, और हम लोग इतने साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुभव में है तो उस अनुभव के बेस में भी हम लोगों का पदोन्नति किया जाए और क्या बोलते हैं, परीक्षा का जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाए। हम लोग की 6 प्रमुख मांगे हैं। आगे हम लोग तो पूरे क्या बोलते हैं विचार कर रहे हैं कि अब पूरे सभी आंगनबाड़ी में ताला जड़ देंगे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक पूरा प्रदेश स्तर पर। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट।